हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. ओके स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास. दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड आई ओपन पेज नंबर 31, लेसन 11, कंपैरिजंस. एंड यस्टरडे वी डिड पार्ट बी ऑफ दिस लेसन एंड टुडे वी विल डू अदर एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन. ओके स्टूडेंट, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट कंपैरिजन विद इन टू थिंग्स. ओके, when we show comparison between two things by using the er form of adjective and we can use then, always we can use the then. And today we will discuss about comparison among three or more things by using the est form of an adjective. Okay, so listen carefully. We show comparison among three or more things by using the est form of an adjective. जब हम est form में adjective use करेंगे तो क्या spelling हो जाएगी? Costliest. Spelling और pronunciation दोनों change हो जाएंगे. Costliest, heaviest, tallest. Sometimes we are most with the adjective most intelligent. हम most का भी use करेंगे. कब करेंगे? जब तुलना, जब comparison या तो three चीज़ों के बीच में होगी या उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में होगी. Look at these sentences and pictures also. I have three shirts. I have three shirts. The white one is the costliest. इस शर्ट का जो, इस शर्ट की कंपेयर की गई है दो शर्ट्स के साथ कि ये जो शर्ट, वाइट कलर की जो शर्ट है वो ज़्यादा महंगी है इन तीनों शर्ट्स में. ठीक है, दिस सेंटेंस कंपेयर्स थ्री शर्ट्स, इज इट इट? पॉइंट टू, द डिक्शनरी इज अ, इज दी हैवीएस्ट बुक. एक और जो है, आपको जो ये ईएसटी फॉर्म कहाँ पे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ. जब आपके सेंटेंस में दी वर्ड हो ना, दी हो, तो उसके साथ आपका जो एडजेक्टिव है उसके साथ ईएसटी आपने लगाना ही लगाना है, राइट करना ही करना है. ओके, सो दिस सेंटेंस कंपेयर्स थ्री बुक्स. द डिक्शनरी, यहाँ पर थ्री बुक्स दी हुई हैं और तीनों के बीच में डिक्शनरी को कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, दो चीज़ें नहीं है, तीन है, दो से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ब का जो फॉर्म है वो ई एस टी वाला यूज़ करते हैं. वर्ब में हमने ई एस टी ऐड करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिल्पी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. हेयर इज शिल्पी को कंपेयर कर रहे हैं पूरी क्लास के साथ. दिस सेंटेंस कंपेयर्स ऑल द गर्ल्स इन द क्लास. तो यहाँ पर शिल्पी को टॉलेस्ट बताया जा रहा है, सबसे लंबी गर्ल बताया जा रहा है पूरी क्लास में, पूरी क्लास को कंपेयर किया जा रहा है. ओके, नंबर फोर पॉइंट, रोहन इज द इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास. रोहन को भी पूरी क्लास में कंपेयर किया जा रहा है. तो ये भी आपका, यहाँ पे आपको मोस्ट वर्ड यूज़ करना है क्योंकि इंटेलिजेंट के साथ जो है मोस्ट, मोर, ये वर्ड यूज़ होते हैं. ओके, वी ऑल्सो यूज़ दी विद द ई एस टी फॉर्म, द कॉस्टलीएस्ट, द हैवीएस्ट. अभी मैं आपने आपको ऊपर पॉइंट में बताया था. पार्ट डी है, टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और हिंदी समझनी है, उसके बाद राइट एडजेक्टिव पे टिक करना है. ओके, मामा बॉट सम इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक फॉर मी. ये जो बच्चा है अपनी मदर से कह रहा है कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग बुक लाना. यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कि कैसी बुक लानी है, तो यहाँ पे हम सिंपल एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग पे टिक होगा. सेकेंड, द गंगा इज लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट देन द यमुना. यहाँ पे गंगा एंड यमुना, यहाँ पे टू रिवर्स है, दो रिवर की बीच की बात है,
तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, लॉन्गर ER वाला, बिकॉज यहाँ पे देन भी है, ठीक है, तो ER वाला टिक होगा। थर्ड है कार्तिक इज अ स्मार्टर या स्मार्टेस्ट चाइल्ड, यहाँ पे कोई दूसरा चाइल्ड नहीं है, सिर्फ कार्तिक की बात हो रही है, एक अकेले कार्तिक की बात है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूप आएगा इसका, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। कपिल गॉट दी लोवेस्ट मार्क्स इन दी क्लास, यहाँ पूरे क्लास में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने बेस्ट और दी है, तो ऑब्वियसली बेस्ट पे ही आपका टिक होगा। नंबर सिक्स, पिकॉक्स हैव अ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल फैदर्स, यहाँ पे भी नॉर्मल टेलिंग सेंटेंस है ये, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ब्यूटीफुल, ओके। नंबर सेवन, माय हेयर इज शॉर्टेस्ट देन माय सिस्टर्स हेयर, देन है और सिस्टर के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पे दो पर्सन है, तो यहाँ पे आएगा शॉर्टर, ER फॉर्म आएगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, फिलअप्स दिए हुए हैं और ब्रैकेट में आपको ये एडजेक्टिव दिए हुए हैं, कौन सा एडजेक्टिव का फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा ये आपने सोच कर करना है, राइट, सूटेबल यूज़ करना है, अगर दी है तो एडजेक्टिव में EST ऐड होगा, और अगर दो थिंग्स है, दो थिंग्स का कंपैरिजन है, तो वहाँ पे वर्ब में सॉरी एडजेक्टिव में ER एंड देन यूज़ होगा, और अगर सिंगल थिंग है, नॉर्मल टेलिंग सेंटेंस है, तो वहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है एडजेक्टिव का। दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट, यू विल डू इट योर सेल्फ, ओके, राइट, हेयर इज होमवर्क, ओके, ये आपने अपने आप करना है, बिकॉज आपको ये इतना मैंने करा दिया, तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, आई होप सो आप सभी समझ ही गए होंगे। सो लेक्चर इज़ ओवर, थैंक यू।